देखिए पूरे राज्य भर के लोग मुख्यमंत्री जी से मोहब्बत करते हैं और आपने देखा किस तरह से पूरे राज्य से जनसैलाब रांची पहुंचा हुआ था। निश्चित रूप से तमाम लोगों को धन्यवाद करना था और उनसे कहना था कि आप हर लड़ाई के लिए तैयार रहिए, जिस तरह से लगातार कोशिशें चल रही है। चूँकि आपने बहुमत दिया है, आपने अपना जनमत दिया है, तो उसको हम लूटने नहीं देंगे और उसके लिए सभी लोगों को सजग रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को उनसे भी कहा गया, हम लोग भी आपस में चर्चा किए हैं कि किस तरह से सजग रहते हुए और जो साजिश और षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश चल रही है उसको हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये बैठकों का दौर जारी रहेगा या फिर खत्म हो गई, क्षेत्र में चले गए आप मंत्री? नहीं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपना अपने यहाँ जो लोगों की भावना है और अपनी भावना से लोगों को अब रूबरू कराएंगे। ईडी से जो कल पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री, क्या कुछ बताएं क्या बैठक? वो तो ईडी बेहतर बताएगी कि मुख्यमंत्री बताएं। नहीं, ईडी पहले ही बता दी थी कि 1000 करोड़ रुपया और क्या क्या बता रही थी ईडी। अब ईडी बताएगी, सूत्रों के मुखबिरों के हवाले से जो खबरें चलती है वो ठीक नहीं है। अब स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए क्या है नहीं है, चूँकि उनसे पूछताछ हुई है वो बेहतर जानते हैं और इस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो दिखाई देता है उसमें यही है कि किसी न किसी तरह से इस सरकार को अपदस्थ किया जाए, अस्थिर किया जाए, जो जनता ने अपने मत से हमें सत्ता सौंपा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।